लगा सेठ जी का फोन है। अच्छा स्पीकर पे कीजिए। बोलिए सेठ जी, आज संडे की छुट्टी के दिन कैसे फोन किया? आपका थोड़ा सा काम पड़ा है इसलिए आपको फोन किया। बोलिए बोलिए। आपके बाजू में कौन बागा है? हाँ हाँ। और तो कोई नहीं है ना? नहीं नहीं, हम दोनों के अलावा यहाँ कोई नहीं है। ठीक है, तो जल्दी से फोन स्पीकर पे कीजिए। सेठ जी फोन ऑलरेडी स्पीकर पे ही है। ठीक है, देखिए अभी मैं आपको जो कहने जा रहा हूँ उसके पहले आपको मुझे वचन देना होगा। वचन? कैसा वचन? अभी मैं आप लोगों को जो काम सौंपने जा रहा हूँ उसके बारे में आप किसी को भी नहीं बताएंगे। किसी को भी मतलब किसी को भी नहीं, खास करके दया को तो बिल्कुल नहीं। हुँ? क्या सेठानी जी को भी नहीं? नहीं। अरे कमाल है सेठ जी, ऐसी कौन सी खास बात है जो आपको सेठानी जी को भी नहीं बतानी है? वो बताऊंगा, पहले वचन दो। अरे लेकिन सेठ जी ये तो बहुत बड़ा धर्म संकट है। अरे धर्म संकट नहीं भाई, ये धर्म का काम है। यहाँ पे कोई संकट में है तो उनको आपकी मदद की जरूरत है। आपकी मदद मिल जाएगी तो वो आपको दिल से आशीर्वाद देंगे, तो आपको बहुत सारा पुण्य मिलेगा। अरे लेकिन सेठ जी ऐसा कौन सा पुण्य का काम है जो करने से पहले वचन देना पड़ेगा? अरे भाई लाभ मुको ने वचन दो ना। एक मिनट सेठ जी, हम दोनों जरा आपस में सलाह मशवरा कर लें। आपस में बराबर है सर। ठीक है ठीक, कुछ क्या करें भागा, वचन दे दें। क्या करें नट्टू काका, हमारे पास और कोई चॉइस भी तो नहीं है। हाँ वो भी सही है, जो होगा देखा जाएगा। बराबर। सेठ जी आफ्टर ए ब्रीफ डिस्कशन we have come to a conclusion that we are quite helpless, so we have to be helpful to you. मतलब वचन दिया। अरे तो इतनी सी बात बोलने के लिए कितना इंग्लिश बोले आप। सॉरी सेठ जी। अच्छा सुनिए, अपने मेहता साहब है ना, उनके लिए आपको बढ़िया सी होटल में से एकदम बढ़िया खाना लाना है। खाना ऐसा होना चाहिए कि मेहता साहब खाए तो उनका मन तर बतर हो जाए। सेठ जी इतनी सी बात के लिए आपने हमसे वचन लिया? ये इतनी सी बात नहीं है, ये बहुत जोखिम भरा काम है। सेठ जी इसमें जोखिम क्या है? बताता हूँ सुनिए। तो आप चाहते हैं कि मैं मायके ना जाऊँ? यही चाहता हूँ, यही चाहता हूँ। उसके लिए आपको मेरी एक बात माननी पड़ेगी। अगले एक महीने तक आपको स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करना पड़ेगा। रोज मैं खुद टिफिन लेके ऑफिस आऊंगी, आपको मेरी नजरों के सामने पूरा टिफिन फिनिश करना पड़ेगा। और अगर आपने मेरा एक भी नियम तोड़ा तो मैं उसी मिनट मायके चली जाऊंगी। मैं कसम खाता हूँ अंजलि कि मैं डाइट फूड के अलावा और किसी फूड को हाथ नहीं लगाऊंगा। ओह आई सी। सेठ जी वाकई ये काम बहुत जोखिम भरा है। जोखिम भरा है लेकिन पुण्य का काम है ना बेटा। नहीं सेठ जी। अरे क्या नहीं सेठ जी, देखो देखो मेरी बात सुनो। आप लोग इतने सालों से पद्मावती भोजनालय में खाना खाने जाते हैं, क्यों जाते हैं? खाना खाने। अरे बराबर है, खाना खाने जाते हैं लेकिन पद्मावती भोजनालय का खाना एकदम स्वादिष्ट है इसलिए आप लोग वहाँ जाते हैं। बराबर। वो तो है सेठ जी। हाँ अभी मान लो कि वो पद्मावती भोजनालय वाला आज आपको बोल दे कि भाई कल से आपको ये कोई स्वादिष्ट खाना मिलेगा नहीं, इसके जगह पे आपको उबली हुई सब्जी, कड़वे काढ़े, सूप, वही सब मिलेगा, वही खाना पड़ेगा तो? नहीं नहीं सेठ जी, शुभ शुभ बोलिए, हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ मेहता सबका जीना मुश्किल हो गया है, कल से एक महीने के लिए उनको यही सब खाना खाना है, डाइट खाना। आज आखिरी चांस है इसलिए आपको ये काम सौंप रहा हूँ। बाप रे। बोलिए सेठ जी कहाँ से क्या क्या लाना है? हाँ हाँ मैं बताता हूँ, लेकिन एक बात का आपको खास ध्यान रखना होगा। जब ये खाना आप लेकर गोकुलधाम सोसाइटी में आएंगे तो इस तरह आना कि किसी को भी पता ना चले कि आप खाना लेके मेहता साहब के घर में आ रहे हैं। बराबर। हो जाएगा सेठ जी, हो जाएगा, आप एकदम बेफिक्र हो जाइए।
बोलिए खाने में क्या क्या लाना है। एक मिनट, वो दोनों राजी हो गए, आप बता दो क्या क्या मंगाना है। हाँ नटू काका भागा, सुनो पनीर बटर मसाला, पालक की एक आध डिश, लहसुनी पनीर वगैरह, सॉरी मतलब लहसुनी पालक वगैरह, समोसा, पकोड़े पकोड़े बोलना, हाँ पकोड़े पकोड़े, हाँ और पाव भाजी, मित्र साहब चीज दम आलू, तवा पुलाव, हाँ चीज दम आलू, हाँ जी मैं बोल रहा हूँ चीज दम आलू। और डोंट वरी मेहता साहब, हम दोनों आपके लिए गर्मा गर्म खाना लेकर अब भी आते हैं। अरे बस जल्दी आइए जल्दी आइए। हेलो, थैंक यू भाई जेठालाल, मजा आ गया, थैंक यू वेरी मच। रुकिए रुकिए, इतना जल्दी थैंक यू मत बोलिए, पहले खाना तो आ जाने दीजिए। ओए पप्पू, मेरा मतलब है वो दोनों तो घर के हैं, उनको क्या थैंक यू बोलना। खाना आएगा, जरूर आएगा, तो बता देते हो भाई। आ जाएंगे। बागा अब क्या करें, सेठ जी ने हमें बहुत मुश्किल काम सौंपा है। हाँ नटू काका, और ये गोकुलधाम वाले तो बहुत अलर्ट है, किसी ना किसी की नजर हम पे पड़ गई तो। करेक्ट, और हमें किसी ने पकड़ लिया तो हम क्या जवाब देंगे, हम तो वचनबद्ध हैं। बागा हमें मेहता साहब के लिए खाना ऐसे ले जाना पड़ेगा कि किसी को पता ना चले कि हम मेहता साहब के लिए खाना लेकर आए हैं। बराबर है, आइडिया नटू काका। कहाँ रह गए ये लोग, जेठालाल ये लोग अभी तक खाना लेके नहीं आए, कहाँ रह गए नटू काका और बागा। अरे मेहता साहब थोड़ा इंतजार कीजिए, जितनी ही भूख बढ़ेगी उतना ही खाने का मजा ज्यादा आएगा। अनुभव बोल रहा है। जी आज हम अपने यार को अपने हाथों से खिलाएंगे खाना, और पूरी दुनिया याद रखेगी हमारा दोस्त। वाह वाह सोडी मियां, वाह, थैंक यू शुक्रिया शुक्रिया। अरे सोडी भाई, दुनिया याद रखेगी हमारा दोस्ताना, पर उसके लिए जरूरी है नट्टू काका और बाघा का आना, तभी तो खाएगा ये दोस्त खाना। जेठालाल भाई फोन करके पता करो ना कहाँ है नट्टू काका और बाघा। ठीक है ठीक है ठीक है। भाई साहब रिक्शा यहाँ क्यों रोक दी, अंदर तक ले लो। साहब रिक्शा खराब हो गई है, सब आ तो गए, थोड़ा सा ये चल के चले जाइए। तुम भी हमारे गुरु निकले, ये लो पैसे ले लो, रखो आराम से नटू काका। आ बेटा संभाल के लेना, नटू काका आराम से ले लीजिए, बस आइए। बगा का फोन, सेठ जी का फोन है। बोलिए सेठ जी। नटू काका कहाँ पहुंचे? सेठ जी हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच ही गए। कहाँ पहुंचे? कहाँ पहुंचे? वो कुछ ऑलमो ऑलमो पहुंचे ऐसा बोल रहे। ऑलमो? ऑलमोस्ट पहुंच गए होगे ऐसा बोला होगा। हाँ वो ऑलमोस्ट, वो कौन सा एरिया, कहाँ पहुंचे वो? ऑलमोस्ट मतलब लगभग पहुंच गए। अच्छा अच्छा, हाँ तो लगभग मतलब आप एग्जैक्टली किधर पहुंचे? सेठ जी हम लोग सोसाइटी कंपाउंड में आ गए हैं। सोसाइटी के गेट के बाहर पहुंच गए। मजा आ गया मजा आ गया, आते ही होंगे। जेठालाल उनको बोलना कि जरा संभल के आए, किसी को पता नहीं चलना चाहिए ना। अच्छा सुनिए, किसी को पता ना, किस जब हेलो, ओ फोन रख दिया, ठेवला फोन। आता अरे टेंशन ना का गयो भाई, ओ होशियार है, छोटे बच्चे थोड़ी, ओ संभल के ही आएंगे। मेहता साहब अभी थोड़ी देर में यहाँ शुरू होगा आपका भोजन उत्सव, मजा आ जाएगा। भजन उत्सव? भजन उत्सव नहीं, भोजन उत्सव, भोजन खाना वाला, फूड फेस्टिवल। अरे बागा भाई और साथ में कौन? अरे नट्टू काका, अरे नट्टू काका, बागा भाई आप लोग इस वक्त यहाँ पर? वो हाँ अब्दुल भाई, हम लोग मेहता जी के घर नए टीवी की डिलीवरी करने आए हैं। लेकिन आज तो संडे है, छुट्टी का दिन है। हाँ बराबर है अब्दुल भाई, लेकिन हम लोग काम को पूजा मानते हैं, और पूजा के लिए कोई छुट्टी नहीं होती। अरे नटू काका
टीवी बहुत हल्का लगता है, आप अकेले बॉक्स पकड़ के खड़े हैं। नहीं अब्दुल भाई, वो क्या है, मैं और नट्टू काका दोनों बारी बारी बॉक्स उठाते हैं। उन्होंने उठाया था, अब मैंने उठा लिया, हो गया ना बैलेंस। वाह वाह वाह। अच्छा खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। काश नट्टू काका बाल बाल बच गए। नहीं नट्टू काका भागा अंकल। गोली बेटा। आप ये टीवी लेकर कहाँ जा रहे हो? गोली हम लोग मेहता जी के घर टीवी की डिलीवरी करने जा रहे हैं, उनका टीवी बिगड़ गया है। हाँ। अच्छा उनका टीवी बिगड़ गया है, पर मैंने तो सुना था उनकी तबीयत बिगड़ गई है। वो टीवी बिगड़ गया ना, इसलिए तबीयत बिगड़ गई। इस टीवी में से तो मस्त खाने की खुशबू आ रही है। वो हाँ बेटा, इसमें कुकिंग शो आता है ना। हाँ। पर अभी तो टीवी बंद है ना, तो खाने की खुशबू कैसे आ सकती है? वो गोली बेटा, नट्टू काका लगता है इसे डिटेल में समझाना पड़ेगा। एक्सप्लेन एक्सप्लेन। वो क्या है गोली बेटा, हम फ्रिज में खाना रखते हैं। हाँ। फिर भी खाना तो फ्रिज में रहता ही है ना। हाँ। गायब तो नहीं होता। और गोली बेटा ये तो 5D टीवी है। वो क्या है, नट्टू काका ने जब टीवी बंद किया ना, तब उसमें खाने का शो आ रहा था, इसलिए इसमें ऐसे अभी तक खाने की खुशबू आ रही है। तो तुम सोचते रहो, हम जाते हैं। आइए नट्टू काका। सोचो सोचो। अरे कम भागा बेटा जी, जल्दी आइए आ गए। नट्टू काका बागा, ये टीवी लेके क्यों आयो भाई? हाँ। नहीं नहीं मेहता साहब, इसमें खाना है। सेठ जी ने कहा था ना, किसी को शक नहीं होना चाहिए, इसलिए। अरे क्या बात है भाई, वाह 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 जेठालाल, वाह क्या आइडिया है यार। भाई जेठालाल की क्या वाह वाह कर रहे हो, आइडिया इनका है, इनको वाह वाह बोलो। बिल्कुल सही बिल्कुल सही। वैसे ट्रेनिंग मैंने दिए उनको तो बराबर है, बराबर। अरे हम जो भी काम करते हैं ना, इतनी सफाई से करते हैं कि काम कब पूरा किया किसी को पता ही नहीं चलता। क्यों सेठ जी? हाँ हाँ। अरे भाई तो इंतजार किस बात का, रखो 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 जल्दी। वाह 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 क्या खुशबू आ रही है। ओ हाँ भाई खुशबू तो बहुत बढ़िया है, इसका मतलब कमाल का खाना लेके आए नट्टू काका और बागा। नट्टू काका वैसे इसके पैसे कितने हुए? क्या बोले आप? मैंने कहा कि बोलिए। हाँ, क्या 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 बोले, फिर से बोलिए। लाल इन्होंने पूछा कितने पैसे हुए। आपको शर्म नहीं आई ऐसा बोलते हुए? नहीं जेठालाल, वापस ले जाओ, वापस ले जाओ। अरे अरे सॉरी भाई, सॉरी जेठालाल। अरे क्या सॉरी, ऐसा कोई बोलता है मेहता साहब? अरे पोपटलाल ने मुझे पहले ही कह दिया था कि आज खाने का जो भी बिल होगा वो देगा। अरे वाह पोपटलाल भाई, थैंक यू वेरी मच यार। मेहता साहब को बताया नहीं, मुख से वक्त हम सबको ये सीखना चाहिए उनसे, ये गुण बहुत कम लोगों में ऐसा होता है, मुख सेवा करना, बताना नहीं किसी को। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। छुपे रुस्तम। अरे भाई कोई छुपा रुस्तम नहीं है। बस ना जेठालाल, मेहता साहब तुम्हारे दोस्त है, मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ। अरे भाई टेंशन मतलब तुमको पैसे नहीं देना, पैसे दे दिए गए। अच्छा सेठ जी अब हम चलते हैं, वरना पद्मावती भोजनालय बंद हो जाएगा। अरे आज छोड़ो पद्मावती भोजनालय, इतना बढ़िया खाना आप लोग लाए हैं, आओ साथ में बैठ के खाते हैं। हाँ मेरे लिए आपने भाई इतनी मेहनत की है तो भाई साथ खाएंगे तो मजा आएगा। हाँ यही खाते हैं आज। थैंक यू सेठ जी, लेकिन क्या है
हम अगर पद्मावती भोजनालय में नहीं जाने वाले होते हैं तो हमें उन्हें एडवांस में बता देना पड़ता है ताकि वो हमारा खाना ना बनाए। अब हमने उन्हें बताया नहीं इसलिए उन्होंने हमारा खाना बनाया होगा। अब अगर हम नहीं जाएंगे तो हमारा खाना वेस्ट हो जाएगा। हमारे देश में ऐसे कितने सारे लोग हैं जिन बिचारों को खाना नहीं मिलता। करें करें। अब अगर हमारा खाना वेस्ट हो जाएगा तो ये अच्छी बात नहीं है ना? करेक्ट, बात सही। नहीं नहीं बराबर है, सॉरी। क्या बात है भाई, क्या बात है। शाबाश शाबाश शाबाश। हां निकलिए, आप लोग निकलिए। अच्छा चलते हैं। थैंक यू वेरी मच, मोस्ट वेलकम, टेक केयर। सुनो, संभाल के जाना, जाते वक्त भी आप लोगों को कोई देख ना ले। फिक्र मत कीजिए सेठ जी। थैंक यू वंस अगेन, बहुत बहुत शुक्रिया। नॉर्मल आप हाथ लगा रहे? माँ मैं तो साहब आपको सिर्फ दांत लगाने अरे भाई मैं तो सिर्फ डब्बा खोल के देखना चाह रहा था कि नट्टू काका और बागा जो खाना लाया वो कैसा है। मेहता साहब थोड़ा सा और सबर करो, हम ये मसालेदार खाना किचन में लेके जाते हैं, प्लेटों में सजाते हैं, फिर अपने प्यारे प्यारे हाथों से आपको खिलाते हैं। क्या बात है भाई, रसगुल्ला, चीज दम आलू, पनीर बटर मसाला, पाव भाजी, कचौरी, समोसा, तवा पुलाव, गुलाब जामुन, जलेबी, अरे तो मेहता साहब शुरू करें। आज तक आपने सिर्फ अंजलि भाभी के हाथ का खाना खाया होगा, आज हम दोस्तों के हाथ से खाना खाकर देखिए, इसका मजा ही कुछ और है। सही बात है, बिल्कुल सही खा पोपटलाल। वैसे दोस्तों एक बात बताऊं, ये जो मैंने कसम खाई ना अंजलि से, उससे एक बहुत बड़ी चीज का एहसास हो गया मुझे। क्या? कि आप लोग मेरे सच्चे दोस्त हैं और मुझे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन मानो दोस्तों, अगर ऐसे सच्चे दोस्त किसी को मिल जाए तो धरती स्वर्ग बन जाती है। बिल्कुल, क्या बात है भाई। ये तो अद्भुत क्षण है भाई। तो चलिए शुभ शुरुआत समोसे से करते हैं। अच्छा, नेकी और पूछ पूछ। फोन। वो घर से फोन है। किसके? तेरे। मेरे? मेरे घर पे कौन है जो तुझे फोन करेगा? तो फिर मेरे घर से फोन आया होगा ना। सोडी तुम फोन उठाओ, बात खत्म करो ताकि खाना शुरू कर सके। जल्दी करो भाई, जल्दी। हाँ यस रोशन माय डार्लिंग। रोशन तू कौन है? तारक भाई की तबीयत खराब है बोल के तू कहीं पार्टी शार्टी तो नहीं कर रहा है ना? अरे ओए सोनिया, मैं गोकुलधाम सोसाइटी में ही हूँ। हाँ तो समझ जरा, प्लीज जरा जल्दी घर आओ। हाँ क्योंकि हमारा पंखा बिगड़ गया है और गोगी को नींद भी नहीं आ रही है उसकी वजह से। ओए अभी आया सोनिया, तो चिंता मत कर, बस आया आया। हाँ तो वेलो आओ। हाँ बाय। ओ यारो, ओ मुझे घर पे जाना पड़ेगा, वो घर का पंखा बंद हो गया और गोगी पुत्र सो नहीं पा रहा। यू कंटिन्यू। जल्दी आना, जल्दी आना, जल्दी आना। तो फिर से समोसे से शुरुआत करते हैं। हाँ अंजलि देख रही हो ना, मैं कोई कसम नहीं तोड़ रहा हूँ, मैंने किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाया। ये तो मेरे दोस्त हैं जो अपने हाथों से मुझे खिला रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, मैं पहुंच गई हूँ, चिंता मत करो। अरे बाप रे, अंजलि घर के दरवाजे पे आ पहुंची। पर अंजलि तो भोपाल में थी, भोपाल से अचानक कैसे आ सकती है? पर क्या करे साहब, मुसीबत तो अचानक ही आती है। अब क्या होगा मेरा, अंजलि क्या करेगी मेरा? अंजलि दरवाजे पे और घर के भीतर तला हुआ मसालेदार चटपटा स्वादिष्ट भोजन ढेर सारा वो भी पड़ा हुआ है। कैसे बचूंगा मैं? अंजलि मेरा क्या हाल करेगी मुझे नहीं मालूम। कहीं हमेशा हमेशा के लिए मायके न चली जाए। ये जेठालाल की सलाह मान के तो मैं फंस गया हूँ।
लेकिन मैं फंसा तो क्या हुआ, आप तो हंसते रहिए और आप हंसेंगे जब आप देखेंगे मेरे साथ अगला एपिसोड तारक मेहता का उल्टा चश्मा का। देखते रहिए, हंसते रहिए। अंजलि क्या करेगी? अंजलि बाबी मर गए, अभी क्या करेंगे हम लोग? चेंज रखिए अपने पास। थोड़ी क्या हुआ? अंजलि बाबी बाहर आ गई है। नटखट मस्ती करते हो? अरे हंस क्या रहे हो? अरे मैं सच कह रहा हूँ यार। अरे हम जानते हैं तेरा सच, सच कह रहा हूँ। अंजलि भोपाल से कल आने वाली है, मजाक छोड़ चल। अरे मेहता साहब, अंजलि भाभी बाहर है, टैक्सी वाले को पैसे दे रही है। अरे गोगी पुत्र की सो। हाँ शिखा प्लीज, मैं बाद में बात करती हूँ, पहले देखू तारक की तबीयत कैसी है। हाँ बाय बाय बाय। अरे दोस्तों सॉरी मेहता साहब, मैं आपको नहीं खिला सकता। अरे अरे तू क्या, हमें से कोई नहीं खिला पाएगा हमें? हाँ बरोबर, मैं पलटो। आपने तो कसम खाई थी, पर आपने कसम नहीं मेरा दिल तोड़ा है, और इस बात के लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। नहीं मैंने हाथ मैं जा रही हूँ मेरे मायके, हमेशा हमेशा के लिए। नहीं अब खाते रहना ये सब जिंदगी भर, क्योंकि आपकी जिंदगी में अब ये मसालेदार खाना ही है। अंजलि नहीं 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 खाना हटाओ, सबसे पहले खाना हटाओ, यहां से लेके जाओ, अंदर लेके जाओ। खाना हटाओ। अरे तारक दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे हैं? कौन है? मैं हूँ। कौन कौन है? अरे तारक घर में अंधेरा क्यों है? अंजलि तुम अभी भोपाल से अचानक कल आने वाली थी, कैसे अचानक, क्यों, क्या मतलब? मेरी बात छोड़िए, आप बताइए आपकी तबीयत कैसी है? मुझे क्या हुआ, मैं तो एकदम फिट एंड फाइन हूँ, एब्सोल्युटली फाइन। हाय दया भाभी ने मुझे फोन करके बताया कि तारक भाई की तबीयत खराब है, वो बीमार है। ओ याद आया। वाह अंजलि, तबीयत तो खराब है, बहुत बहुत खराब है, तबीयत तो ठीक नहीं है। क्या बात है तारक, अभी कह रहे थे फिट एंड फाइन हूँ, अभी कह रहे तबीयत ठीक नहीं है, बात क्या है? नहीं नहीं तबीयत तो खराबी थी, मतलब खराबी है, लेकिन तुम्हें देखा ना तो एकदम तबीयत ठीक हो गई। ये बात है, मुझसे इतना प्यार करते हैं कि मुझे खुश करने के लिए कह रहे कि तबीयत ठीक हो गई है ना। अरे तुम बैठो, आराम से बैठो, थक के आई हो, बैठो बैठो। अंजलि सबसे पहले ये बताओ कि तुम कल आने वाली थी, आज क्यों आ गई, आज कैसे आ गई? अरे आपकी तबीयत की खबर सुन के नेक्स्ट फ्लाइट ली और दौड़ी चली आई। हे भगवान, मेरा झूठ मुझ पे भारी पड़ गया। कितने लकी हैं मेहता साहब, अंजलि भाभी कितना प्यार करते हैं उन्हें। हे भगवान, मुझे भी ऐसी ही पत्नी देना। सॉरी सॉरी, लेकिन अंजलि मुझे एक बात बताओ कि मेरी सेहत ठीक है भाई, तेरे चिंता का विषय नहीं है, लेकिन तुम्हारा भोपाल में रुकना बहुत जरूरी था। अंजलि शिखा उसका उसके पति से झगड़ा, उसका डिवोर्स, उसका क्या? तारक मेरे पहुंचने से पहले ही शिखा और जिया जी का झगड़ा तो खत्म हो चुका था। क्यों, मतलब क्या? हाँ हाँ अच्छा, कैसे? वो सब छोड़िए ना, गुड न्यूज ये है कि उन दोनों में पैचअप हो गया और उनका डिवोर्स रुक गया। अच्छा, अगर मैं पकड़ा गया ना तो मेरा डिवोर्स पक्का है।
तारक, कुछ खाने की खुशबू आ रही है। खाने की? अरे अंजलि, तुम आई हो ना तो घर एकदम महक उठा, फूल ही फूल खिल गए चारों तरफ, खुशबू आ रही है उसकी। पाव भाजी, समोसा। अरे अंजलि, पाव भाजी समोसा, इस घर की दीवारों में जो हवा बहती है ना बीच में, उन हवाओं ने कभी स्वाद का अनुभव ही नहीं किया, तो ये खुशबू तो आ ही नहीं सकती, कैसे आ सकती है हमारे घर में। नहीं आ रही है तारक, देखिए। संडे 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 अंजलि, संडे। आज संडे है ना अंजलि, तो संडे के दिन सोसाइटी के अंदर सभी घरों में व्यंजन पकवान अलग अलग किस्म के बनते हैं, और घर की खिड़की आज खुली है तो सब जगह व्यंजन बन रहे हैं, तो वो खुशबू घर के अंदर आ गई। तारक, खुशबू फिर भी अगर ये खुशबू आ रही है तो मैं इस खुशबू को आने नहीं दूंगा तुम्हारे पास। एक मिनट रुको ना, खुशबू मैं ये स्प्रे, ये तारक, ये स्प्रे, खुशबू आ ही नहीं सकती अंजलि। अरे दोस्तों, खाना तो हमने छुपा दिया, लेकिन खाने की खुशबू को कैसे छुपाए? खुशबू छिप सकती है बड़े मास्टर, सारा खाना। अरे आप क्या होटल में खाना खाने बैठे हो? वो पास करो, जिसके पास जो जो है सब खा रहे हैं ना, आपके पास जो वो खाओ, चुपचाप खाओ जल्दी। डरालाल, मेरे पास में ये चटनी है, मैं सिर्फ चटनी खाऊं। यार दो इनको समोसा, दो भाई ना समोसा, चलो चटनी दो। डरालाल, वो मैं समोसा कैसे खाएगा बिना चटनी का? आपने इडली और डोसा मंगाया, वो खाऊं ना भाई? बस कीजिए, आप नहीं आ रहे ना खाने की खुशबू? ये सब छोड़िए, पहले आप बताइए आपने कुछ खाया? ऐसे क्यों पूछ रही हो? अरे आपकी तबीयत ठीक नहीं है, अगर कुछ खाया नहीं है तो मैं बनाती ना आपके लिए कुछ ताजा ताजा। कुछ बनाने की कोई जरूरत ही नहीं है, मेरे को कुछ खाना ही नहीं है क्योंकि तबीयत खराब है ना, तो कुछ भी खाने की इच्छा नहीं है अंजलि अभी। I'm so sorry तारक। क्यों? क्यों क्या? आपकी तबीयत खराब थी, आप आराम कर रहे थे और अचानक मैं आ गई, तो आप डिस्टर्ब हो गए ना। डिस्टर्ब तो सभी कुछ हो गया। वैसे सच बताओ तारक, मैं भी बहुत थक गई हूँ, इतनी भागा दौड़ी हुई मुझे। मुझे भी आराम की बहुत जरूरत है। क्या हूँ, खड़े क्यों है? चलिए ना बेडरूम में। अरे वो अंजलि अभी तो वहाँ पे आ रही है। चुपो 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 चुपो। बेडरूम में सब है? सब कौन? बेडरूम में सब है ना अंजलि, बेडरूम में डबल बेड है, बेडरूम के अंदर अलमारी है, बेडरूम में किताबें हैं और मतलब, और बेडरूम में चूहे। चूहे? हाँ, बेडरूम में चूहे हैं अंजलि। मैंने सुना, लेकिन आप चिल्ला क्यों रहे हैं? वैसे भी चूहा का नाम सुन के मुझे डर लग रहा है। लेकिन चूहे है। चूहे चूहे सॉरी, ओए मैं चूहा नहीं हूँ, मैं शेर हूँ। तो शेर अभी सो गया है, सो जा। हाँ, अपनी गुफा में से बाहर मत निकलना अभी तो। शेर सो गया है, शेर सो गया। सुना? देखो। लेकिन तारक, घर में अचानक चूहे आए कहाँ से? सुबह में गई तब तो सब कुछ ठीक था। नहीं थे चूहे है ना। चूहे कोई फोन करके एडवांस में थोड़ी आते कि भाई आज हम आ रहे हैं। जैसे आज तुम मुझे बगैर फोन किए सरप्राइज करने आ गई। है ना।
सारा आप कहीं मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे ना? नहीं नहीं सुना सुना चूहे 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 तारा तब क्या करेंगे? अरे तुम निकलो निकलो मतलब तुम दया भाभी के घर जाओ, मैं अब्दुल को बुलाता हूँ और मैं और अब्दुल मिलकर सारे चूहे निकाल देते हैं, और जब सारे चूहे निकल जाएंगे उसके बाद मैं तुम्हें बुलाने आऊंगा, उसके पहले तुम मत आना, ठीक है? चलो पक्का? हाँ पक्का पक्का चलो। अपना फोन साइलेंट पर रख वरना अंजलि भाभी वायलेंट हो जाएगी। साइलेंट साइलेंट कर दो। रोशन का फोन है, उसको पता है मैं मेहता साहब के घर पे हूँ, अगर मैं अभी घर पे नहीं गया तो वो यहाँ पे आ जाएगी। अरे देवा अगर रोशन भाभी को पता चल गया तो एक एक करके हम सब की बीवी को पता चल जाएगा। फंस गए पूरे फंस गए। अरे मैं तो बिना बीवी के फंस गया हूँ। मेरे को तो लगता है हमारा बचना नामुमकिन है। नमकीन नमकीन कहाँ मंगाया था? तारा फोन की घंटी की आवाज सुनी? नहीं तो आज तुम्हें क्या हो गया? कभी खाने की खुशबू आ रही है, कभी फोन की आवाज सुनाई दे रही है, कोई फोन वोन नहीं बजा है। चूहे बोल रहे हैं, चूहे चूहे बोल रहे हैं। ये देखो तारक मैं एक काम करती हूँ। क्या? दया भाभी को फोन करके चूहे पकड़ने का पिंजरा मंगवा लेती हूँ। अंजलि अंजलि क्या कर रही हो? अरे अंजलि दया भाभी के पिंजरे में चूहे आ ही नहीं सकते, इतने बड़े बड़े चूहे हैं ये। सुना सुना तुम लोगों ने सुना सुना चेटालाल दया भाभी यहाँ पे आने वाली है। दया नहीं आ सकते। अरे भाई तुम लोग बंद करो अपना शोले। शोले शोले भी नहीं आए थे भाई। एक काम करती हूँ। क्या? पूरी सोसाइटी में सबको पूछती हूँ, जिसके पास सबसे बड़ा चूहे पकड़ने का पिंजरा होगा उनके पास से लेके आती हूँ और सब चूहे को पकड़। बहुत बढ़िया आइडिया, सबसे पूछो, जितना टाइम लगे लगाओ लेकिन बड़ा पिंजरा लेके आओ। अंजलि हमारे चूहे घर में घुस गए। लेकिन तारा क्या इतने सारे चूहे घर में आए कैसे? अरे पे आ भी ये क्वेश्चन नहीं आया कैसे, अभी इनको बाहर भगाना है अपने को। चलो ना पिंजरा लेके आना है। छोड़ोगी? अरे हाँ बिल्कुल नहीं, पिंजरा बड़ा वाला। दोस्तों अंजलि पिंजरा लेने गई है और जब तक कहाँ कहाँ गया? सब बाहर खुशबू आ रही थी ना तो आपको बचाने के लिए हम सब ने मिलकर खाना खा लिया। बहुत अच्छा, अब अंजलि आया उसके पहले निकलो, ठीक है? चलो चलो चलो। एक मिनट ये बर्तन भी लेके जाओ। अरे बर्तन कैसे ले जा सकते हैं? घर पर पूछा किसका बर्तन है और ऐसा क्यों है तो क्या जवाब देंगे हम लोग? अरे लेकिन मैं क्या जवाब दूंगा अगर अंजलि ने पूछा ये सब क्या है, बर्तनों में क्या था? तो एक काम करते हैं बर्तन धो लेते हैं। चुप, क्या धो दो? मैं अकेला दो 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 नहीं, सब मिलके दो 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 तो फटाफट धुल जाएंगे ना। ओहो हाँ पोपटलाल बिल्कुल सही करा। चलो 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 करके आप कहाँ रहे? आप बाहर का मोर्चा संभालिए, हम लोग बर्तन संभालते हैं। ठीक है एक मिनट, कांच के बर्तन है जरा ध्यान से। हाँ डरिए मत, चलिए। अरे अंजलि भाभी। दया भाभी मैं आप ही के घर आ रही थी। आप पहले ये बताइए भोपाल से कब आए? मैं अभी आई दया भाभी, आपको तो पता है ना मेरी बहन और जीजाजी का झगड़ा मेरे जाने से पहले ही खत्म हो गया था, और आपने फोन करके कहा कि तारक की तबीयत खराब है तो मुझसे नहीं रहा गया और मैं आ गई। अच्छा किया, वैसे मैं भी अभी आपके घर ही जा रही थी। वो टप्पू के पापा कब से मेहता साहब को मिलने गए हैं, अभी तक नहीं आए। चिट्ठा भाई, अरे अंजलि भाभी आप भोपाल से आ गए? हाँ अभी आए वो। अच्छा? हाँ वो उनकी बहन बनेवी का वो झगड़ा हुआ था ना, वो माता जी की कृपा से एकदम खत्म हो गया है। मैं भी आप ही के घर आ रही थी। मेरे घर? अरे वो रोशन तारक भाई की तबीयत का हाल पूछने के लिए आप ही के घर पे है ना, और कब से लौटा नहीं है। सोड़ी भाई? लेकिन जेठा भाई और सोड़ी भाई दोनों मेरे घर पे नहीं है। आई एम श्योर अंजलि भाभी हंस आपके घर में है, कब से गए हैं मेहता साहब को गोली देने। एक मिनट, जेठा भाई सोड़ी भाई हाथी भाई कोई मेरे घर पे नहीं है, मैं घर से ही तो आ रही हूँ। टप्पू के पापा भी नहीं है? मैं भी। अरे सब लोग वो अब्दुल भाई की दुकान में सोडा पीने गए होंगे। ते हो ही सके हा? नहीं मैं वहाँ से आई तब वहाँ कोई नहीं था। तो हम सबके पति देव गए कहाँ? क्या दिन आ गए, एक शिक्षक, एक साइंटिस्ट, एक डॉक्टर, एक मैकेनिक, एक पत्रकार, बर्तन धो रहे, मैकेनिकल इंजीनियर। हाँ भाई हाँ, और वरिष्ठ युवा पत्रकार। वरिष्ठ युवा पत्रकार फटाफट बर्तन धो वरना अंजलि भाभी के हाथों धुलाई हो जाएगी हमारी। अंजलि आंटी नक्की कुछ गड़बड़ है। कैसी गड़बड़? आंटी कुछ देर पहले नट्टू काका और बागा अंकल आपके घर गए थे एक बड़ा सा टीवी का बॉक्स लेकर। टीवी? लेकिन मेरे घर पे तो टीवी है।
पर उन्होंने तो मुझे बताया कि वो आपका टीवी बिगड़ गया है। और हाँ, वो बड़े से टीवी के बॉक्स में से बढ़िया बढ़िया खाने की खुशबू आ रही थी। मैं जब घर में थी मुझे भी कुछ खाने की खुशबू आई थी। नक्की कहीं गड़बड़ छा, क्योंकि मैंने जब रोशन को फोन किया तब उसने मेरा फोन कट किया। मुझे घर में फोन की घंटी सुनाई दी थी पर दोरिंग में फोन कट हो गया। लेकिन अंजलि भाभी, आप मेरे घर पर क्यों आ रहे थे? अरे दया भाभी, तारक ने कहा कि हमारे बेडरूम में बड़े बड़े चूहे घुस गए हैं, तो उनको पकड़ने के लिए आपके पास चूहों का पिंजरा लेने आ रही थी। एक मिनट अंजलि भाभी, एक मिनट। रोशन भाभी जरा फान देंगे? मैं नटू काका और भागा भाई को फान करके पूछती हूँ। गुड आइडिया, अभी सब हकीकत पता चल जाएगी। अंजलि भाभी, हम लोग आपके घर से जरा दूर होके बात करते हैं ताकि मेहता साहब बात सुन ना सके। हेलो। हाँ नटू काका, मैं दया बोल रही हूँ। बाका, सेठन जी का फोन है। क्या नटू काका, ये तो धर्म संकट हो गया। एक काम कीजिए, फोन स्पीकर पे कीजिए। बोलिए सेठानी जी। हाँ नटू काका, मुझे आपसे जरा कुछ बात पूछनी है। आप वचन दीजिए आप सब सही सही बताएंगे। सॉरी सेठानी जी, मैंने और बागा ने सेठ जी को वचन दिया है कि हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे। अच्छा ऐसी बात है, कोई बात नहीं उसमें क्या। पर नटू काका, आप हाँ या ना में तो जवाब दे सकते हैं ना? हाँ सेठानी जी। मुझे आप ये बताइए, आप हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में टीवी का बक्सा लेकर आए थे? हाँ। तो वो टीवी के बक्से के अंदर तो टीवी ही होगा ना? ना। अच्छा, टीवी के बक्से के अंदर टीवी नहीं था। नहीं था? तो क्या वो बक्से के अंदर स्वादिष्ट चटपटा तीखा मसालेदार खाना था? हाँ। तो नटू काका, आप वो बक्सा मेहता साहब के घर पर लेकर गए थे ना? हाँ। और आप वो बक्सा मेहता साहब के घर पर देने गए तब वहाँ पर टप्पू के पापा, सोडी भाई, हाथी भाई सब सारे जेंटस वहाँ पर ही थे ना? हाँ। अच्छा नटू काका, थैंक यू, फोन रखती हूँ। हाँ आपने कुछ भी नहीं बताया फिर भी मुझे पता चल गया। अभी आप निश्चिंत होकर सो जाइए। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि सेठानी जी। अंजलि भाभी सॉरी। बस दया भाभी बस, अब मुझे कुछ नहीं सुनना। तारक ने मेरी कसम तोड़ी, मेरे विश्वास का मजाक उड़ाया। उन्होंने मुझसे झूठ कहा कि घर में चूहे हैं। बस अब नहीं, अब डाइटिंग नहीं फाइटिंग होगी, फाइटिंग। अब तो सारे चूहों को चुन चुन के बाहर निकालना होगा। दया भाभी, अभी के अभी महिला मंडल को यहाँ बुलाइए। अंजलि भाभी आप चिंता मत कीजिए, उन सब लेडीज आपके साथ ही है। अब देखिए मेरा कमाल, कैसे इन चूहों को आपके घर से बाहर निकालती हूँ। दोस्तों एक बड़ा पुराना लतीफा है, एक शेर की शादी में चूहा बड़े जोश खरोश के साथ नाच रहा था तो बाकी शेरों ने पूछा, भाई तुम इतने खुश क्यों? चूहे ने कहा, भाई शादी के पहले मैं भी शेर था। सही कहा है साहब, शादी के बाद बड़े बड़े शेर जो है वो चूहे बन जाते हैं। अब देखिए ना, अंजलि के डर के मारे मैं भीगी बल्ली बना हुआ हूँ और मेरे सारे दोस्त चूहे बन के छिपे हुए, लेकिन दया भाभी ने इन चूहों को बाहर निकालने का बीड़ा उठा लिया है। और आप जानते हैं कि दया भाभी के नुस्खे डायनामाइट की तरह होते हैं। अब सोचिए तो दया भाभी के नुस्खों से कितने धमाके होंगे। ये चूहे बाहर निकलेंगे या नहीं ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन आपके घरों से ठाकुर की आवाज बाहर निकलने वाली है। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा और सोचिए क्या होगा चूहों का। Really disgusting. I still can't believe this. Chotu,
पर सिर्फ अंजलि भाभी के नहीं, हमारे पतियों ने भी हमसे झूठ बोला है। एग्जैक्टली और अंजलि भाभी नहीं आती तो हमें पता भी नहीं चलता कि हमारे भोले भाले दिखने वाले पति टप्पू सेना से भी ज्यादा शरारती। टेटो छे आप, पर इन शरारती पतियों को आज चटपटा मजा चखाना पड़ेगा। रोशन भाभी, दया भाभी इसी चीज का रामबाण इलाज ढूंढने गई, जैसे ही आती है हल्ला बोल देंगे हम और उस रामबाण से आज हमारे पतियों को हम सीधा कर देंगे। मेरी कजिन शिखा का फोन है, एक मिनट। हाँ। हेलो दीदी, आप ठीक से पहुंच गई ना? हाँ शिखा, मैं तो ठीक से पहुंच गई, लेकिन क्या बताऊं, तेरे ग्रह से जीवन की गाड़ी पटरी पर चढ़ाकर आई थी, यहाँ मेरे ग्रह से जीवन में प्रॉब्लम शुरू हो गई। क्यों, क्या हुआ? स्पीकर ऑन करो। अब क्या बताऊं तुझे, क्या और तो और, उन्होंने मेरी दी हुई कसम तोड़ दी, लेकिन इस बार मैं उन्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। हाँ दीदी, हम वहाँ आए क्या? नहीं शिखा, तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, यहाँ मेरी गोकुलधाम की सारी बहनें मेरे साथ हैं। फिर तो आज जीजू की अच्छे से खातिरदारी होने वाली है। खातिरदारी? ऐसा सबक सिखाऊंगी कि जिंदगी भर याद रखेंगे मुझे। चल शिखा, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। दीदी दीदी, जो भी हो बाद में फोन करके बताना। हाँ हाँ हाँ, मैं तुझे सब बाद में बताऊंगी, ठीक है, बाय। अच्छा दीदी बाय। अंजलि भाभी, अंजलि भाभी, रामबाण तैयार है। चलिए तो फिर हल्ला बोल देते हैं। चलिए चलिए, आइए। लाइन क्लियर है, कोई नहीं है, सबको बाहर निकाल लेता हूँ फटाफट। लाइन क्लियर है, सबको बुला लेता हूँ। ये दरवाजा क्यों बंद कर रखा है? अरे चूहो, मैं हूँ मैं, दरवाजा खोलो। ओके। सब कुछ हो गया? हाँ। कुछ सबूत छूटा तो नहीं ना? सारे सबूत धो डाले। हाँ। मतलब साफ कर दी। वेरी गुड वेरी गुड, बाहर रास्ता बिल्कुल क्लियर है, चलो निकलो। एक मिनट, सारे लोग एक एक करके अब्दुल की शॉप पे जाना और जैसे ही मौका मिले एक एक करके अपने घर जाना, ठीक है? वो सब मालूम है, आप हमको बस बाहर जाने दो, वो सब पता है, एक एक करके सब अब्दुल की दुकान से निकलेंगे अपने घर। एक मिनट, देख लो सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं। हाँ देख रहे हैं सब ठीक है क्या? नहीं ओके। मर गए। क्या हुआ? अरे अंजलि के साथ दया भाभी, कोमल भाभी, रोशन भाभी सब इसी तरफ आ रही है। क्यों? मुझे क्या पता, चलो चलो चलो, चुपो पापा चुपो, सब चूहे की मौत मरने वाले आते हैं। सॉरी, जल्दबाजी में हो गया, सॉरी। आइए 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 दया भाभी, बेडरूम में है चूहे, अंदर है। पर अंजलि तुम तो पिंजरा लेने गई थी, ये दया भाभी, कोमल भाभी, रोशन भाभी, इन सबको लाने की क्या जरूरत थी, इनको ऐसे ही परेशान किया तुमने। अरे मेहता साहब, आजकल के चूहे बड़े खतरनाक हो गए हैं और इसलिए मैं उनके लिए जबरदस्त हथियार लाई हूँ। जबरदस्त हथियार? क्या है ये दया भाभी, क्या लेके आई आप? छीकनी। छीकनी मतलब नसवार? वही वही। छीकनी मतलब नसवार? हाँ। दया भाभी चूहों के लिए छीकनी लेके आई है। हाँ पर इसमें चिल्ला। दया भाभी आप चूहों के लिए छीकनी लेके आई है। छिकनी कहाँ से लेके आई? मैंने की पता यार। दया भाभी क्या क्या कर रही हैं आप? ये नसवार तो इंसानों के काम आती है ना, चूहे पर असर नहीं कर सकती ये चीज, इसका कोई मतलब नहीं है। दया भाभी इसे छोड़िए, ये कोई फायदे की चीज ही नहीं है, इससे चूहे नहीं निकलेंगे। भाई छिकनी तो हम लोग काम में लेते हैं, चूहों का और इंसानों के सिस्टम में फर्क होता है ना, नाक अलग अलग होते हैं, पूरा सिस्टम ही अलग अलग होता है, तो इट वॉन्ट वर्क, ये काम नहीं करेगी दया भाभी। अरे पर
अरे तारक, देखते हैं ना, ट्राई करते हैं। देव भाभी, आप अपना हथियार चलाइए। चलिए। अरे नहीं, देखो दया भाभी अंदर बहुत बड़े बड़े चूहा कहाँ जाएंगे, अंदर चूहा पे हमला कर सकते हैं, बड़े खतरनाक हो तो चूहे प्लेग की जानवर बीमारी फैल सकती है। डर मुझे लगता है दया भाभी को नहीं। अरे नहीं, पर चूहों को क्या मालूम कि कौन आ रहा है अंदर, वो तो हमला कर सकते हैं। चिंता करने की कोई बात ही नहीं है, अंदर कोई जा ही नहीं रहा है। तो फिर ये सुनिए, मैं हल्का सा दरवाजा खोलूंगी और छिकड़ी अंदर फेंकूंगी। अरे नहीं, पर चूहे असर नहीं करेंगे, मैंने आपको बोला। अरे पर दया भाभी देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। देखिए तारक, छोड़िए। अरे मैं कर रहा हूं, मारने है ना अंदर। दया भाभी संभाल के और जोर से फेंकना, सारे चूहे पे गिरनी चाहिए। अब देखते हैं चूहे कैसे बाहर नहीं निकलते। कमाल है, किसी चूहे को अभी तक छींक नहीं आई। वाह, क्या कंट्रोल है। कंट्रोल? मेरे कहने का मतलब दया भाभी, मैंने कहा था ना कि ये जो छींकनी आपकी नसवार, ये चूहों पे असर करेगी, इंसान पे नहीं करेगी। क्या? अरे मेरे कहने का मतलब ये है कि नसवार जो है वो इंसानों पे असर करेगी, चूहों पे कैसे असर करेगी। मैं तो बोल ही रहा था ना, कुछ हुआ देखो, कुछ नहीं हुआ। हाय हाय दया भाभी, ये छींकनी से तो चूहों को कुछ भी नहीं हुआ। ये चूहे काफी जिद्दी लगते हैं, ऐसे बाहर नहीं आएंगे। चूहे होते हैं, चूहे बड़े जिद्दी होते हैं चूहे। दया भाभी, आपका आइडिया तो फ्लॉप हो गया। हमसे कुछ नहीं होने वाला, चलो चलते हैं। चलो। हाँ कोमल भाभी, हम चूहों को नहीं भगा पाए। टप्पू के पापा आएंगे ना, तब मैं उनको पूछूंगी चूहों को कैसे निकालते हैं। राइट, बहुत अच्छा आइडिया, बहुत अच्छा आइडिया। दया भाभी पूछ, हाँ बताए तो फिर कैसे निकालेंगे। हाँ चलो अभी चलते हैं, वही ठीक रहेगा। अरे चोके, थैंक यू, आप लोगों ने कोशिश की। नहीं नहीं, कमाल है, कमाल है, तेज छींकनी थी वो भी, चूहे को छींक नहीं आए, कमाल है। देवा वासलो रे बाबा वासलो। दोस्तों ये लोग निकल गए, चलो निकलो, जल्दी निकलो। आइए दया भाभी, आइए। संभाल के, संभाल के। हाँ क्यों, भगा दिया सारे चूहों को? मेरा मतलब है भाग गए चूहे? नहीं ना, बेचारे चूहे तो अंदर ही फंसे। रे मेरा मतलब चूहे अंदर ही है। हमें लग रहा है कि अब ब्रह्मास्त्र वापस नहीं पड़ेगा, तभी ये चूहे बाहर निकलेंगे। अरे बाप रे, दया भाभी के पास कौन सा ब्रह्मास्त्र है? मनु की पता, मुझे नहीं पता। तो ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मास्त्र मतलब क्या, ये क्या है, आप क्या आग लगाने वाली हैं? अरे यही तो है ब्रह्मास्त्र है? इस गरम गरम जलते हुए कोयले पे हम मिर्ची पाउडर डालेंगे है? उसके धुएं से सारे चूहे कहीं पे भी छुपे होंगे बाहर निकल आएंगे। अरे क्या क्या, क्या, क्या कर रही है आप? अरे दया भाभी, ये कोई ब्रह्मास्त्र, ये कोई तरीका होता है क्या? मतलब चूहे, चूहे मासूम जानवर है, चूहों पे ये तो अत्याचार हो जाएगा दया भाभी। ये
बहुत बड़ी हिंसा है भाभी, ये पाप होगा। अगर इस मिर्ची वाले धुएं से कुछ चूहे मर भी सकते हैं भाभी, नहीं ये गलत है भाभी, हमें चूहों को बाहर निकालना है, हमें हिंसा नहीं करनी है, तो बहुत बड़ा पाप हो जाएगा भाभी, नहीं ये गलत है। नहीं चूहे हैं। अरे हाँ, तो चूहों में भी जान होती है, चूहे में भी प्राण होते हैं, चूहे की भी फैमिली होती है, उसके भी बीवी बच्चे वगैरह, मतलब मेरा कहने का मतलब ये चूहों के ऊपर ये असर नहीं। नहीं नहीं मेहता साहब, अन्याय ही नहीं है, इससे चूहे फटाफट बाहर निकल जाएंगे। फटाफट। अरे नहीं ऐसा नहीं होता दया भाभी, देखिए बिल्कुल गलत है दया भाभी। अरे अरे ये मासूम जानवर में चूहे मासूम जानवर होते हैं, अत्याचार है उनके ऊपर। अरे ये हिंसा है, अरे पाप है, ये पाप है दया भाभी, ये पाप है। अरे दया भाभी ये हिंसा है भाई, चूहे बड़े मासूम। अंजलि मेरी बात, अरे सुनो देखो मेरी, अरे पर मेरी, अरे पांडुरंग आवाज सारे बाबा, मिर्ची का धुआं। डॉक्टर साहब अभी इसका क्या इलाज है? वो धुआं, मिर्ची का धुआं, तो इसका इलाज तो डॉक्टर के कोर्स में नहीं था। मिर्ची का धुआं, जान निकल जाएगी। सब अपने अपने मुंह बांध लीजिए। अब देखती हूँ कैसे चूहे बाहर नहीं निकलते। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। डालो दे भाभी। हाँ डालियो डालियो, चलो डालो। चूहो अभी आपका क्या होगा? चलो चलो चलो। अब देखते हैं चूहे कैसे बाहर निकलते हैं। अंजलि मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या? मिर्ची का धुआं कर दिया, अत्याचार है ये। ये चूहे थे बेडरूम में। और उनमें से एक चूहा सेक्रेटरी भी है मड़े, और एक चूहा तो हाथी जितना बड़ा है। अंजलि मैं तुमसे यही कहना चाह रहा था, अंजलि आई एम रियली सॉरी, मुझसे गलती हो गई अंजलि, आई एम रियली सॉरी। तारक आपने मेरा विश्वास तोड़ा, मेरी दी हुई कसम तोड़ दी, और मेरा दिल तोड़ दिया। बस तारक अब चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं आपके साथ एक पल भी यहाँ नहीं रह सकती। अरे अंजलि नहीं, अंजलि देखो मेरी बात सुनो, अंजलि देखो, अरे अंजलि ऐसी बातें करते कि तुम कहीं नहीं जाओगी। अंजलि मुझसे गलती हुई है, मैं माफी मांगता हूँ अंजलि, आई एम रियली सॉरी, और प्लीज अंजलि इस गलती को मेरी आखिरी गलती समझ के भूल जाओ। अंजलि तुम जो सजा दोगी मुझे मंजूर है, और तुम कहो तो मैं क्या करूँ अंजलि, मैं कैसे माफी मांगू तुमसे, मैं उठ बैठ करने को तैयार हूँ। अंजलि बोलो मैं क्या करूँ, मैं तुम जो कहोगे वो सजा मंजूर है मुझे, प्लीज। तारक आपने मेरा विश्वास तोड़ा है, विश्वास की कीमत जानते हैं आप? आपकी तबीयत खराब है ये सुनकर मुझे वहाँ कितनी चिंता हुई थी पता है? मेरी बहन का घर छोड़ के सीधी फ्लाइट लेके आपके पास आ गई यहाँ, और यहाँ आके मैं क्या देखती हूँ कि आप खा पी के मजे कर रहे हैं, और इन सारी बातों से एक ही बात साबित होती है कि आप मुझसे प्यार नहीं करते, वरना मेरी कसम नहीं तोड़ते। अंजलि पापी जी तुझे बिल्कुल फिक्र ना करो, और मेहता साहब ने आपकी कसम तोड़ी नहीं है। हाँ। और मेहता साहब ने तो खाने को हाथ भी नहीं लगाया जी। हाँ बिल्कुल नहीं है? अच्छा जी, तो सारा खाना तो उड़ के आपके मुंह में आ गया ना? नहीं नहीं, अरे अंजलि बाबी मेहता साहब ने तो खाने का एक निवाला भी अपने मुंह में नहीं डाला। अरे मेहता साहब खाना खाना तो क्या मंगवाना भी नहीं चाहते थे। अरे वो तो नट्टू काका और बागा को फोन करके जेठालाल ने खाना मंगवाया था।
मेरा मतलब है हम सब ने खाना मंगवाया था। अंजलि भाभी मैं तो सबको बीमारी का बहाना करने के लिए मैंने बोला था। हंस गलत बात है। सही बात है। हा? मतलब आप जो गलत बात कह रही ना वो सही बात है। सकले एका माले से मणि है। देखिए अंजलि भाभी मैं तो सबको माफ कर दीजिए। हमारी गर्दी का तजा आप मैं तो सबको मत दीजिए। हाँ प्लीज अंजलि भाभी प्लीज प्लीज माफ कर दो मैं तो सबको। दोस्तों थैंक यू वेरी मच मेरा साथ देने के लिए, लेकिन प्लीज मेरा गुनाह आप अपने सर मत लीजिए। तो गलती मेरी है, मुझे ये सब करने के लिए तैयार ही नहीं होना चाहिए था। मुझे खाना खाने के लिए हाँ ही नहीं कहनी चाहिए थी, लेकिन गलती मेरी है कि मैं क्या करूं, मेरा मन हो गया खाना खाने का। अंजलि मैं डर गया था कि अगले एक महीने तक मुझे डाइट फूड मिलेगा और ये सब मसालेदार तला हुआ खाना खाने को नहीं मिलेगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है आज खा लेता हूँ। मैं क्या करूं अंजलि, तुम मुझे जितना ज्यादा इस तरह का खाना खाने से रोकती हो मुझे उतनी ज्यादा ऐसा खाना खाने की इच्छा होती है। अंजलि बेटा बेटा तारक की बात सही है। अरे ये तो विज्ञान का नियम है, किसी चीज को हम जितनी जोर से दबाएंगे वो उतनी उछलेगी। और बेटा गलती तुम्हारी भी है, वजन कम करने के लिए इतना कठोर होने की भी जरूरत नहीं है। अंजलि भाभी बापूजी बराबर कह रहे हैं, वैसे मेरी माँ भी हमेशा यही कहती है। अंजलि भाभी मेहता साहब तो काफी फिट है, और वजन कम करेंगे तो पोपटलाल के जैसे दिखने लगेंगे। हाँ और अंजलि भाभी देखिए मैं भी अगर मेरे स्टूडेंट्स को 30-30 दिन महीने के पढ़ाई करने को बोलूं तो वो भी पढ़ाई छोड़ देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बरोबर है, आप लोग चाहे जो भी कहें लेकिन तारक ने गलती की है। इन्होंने साबित कर दिया कि वो मुझसे ज्यादा मसालेदार खाने से प्यार करते हैं, और जहाँ मेरे लिए प्यार नहीं वहाँ मैं एक पल भी नहीं रह सकती। अरे, मैं जा रही हूँ अपने मायके, हमेशा हमेशा के लिए। अंजलि भाभी, अरे अंजलि भाभी, अंजलि 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 भाभी, नहीं दया भाभी मेरा दिल टूटा है, अब मैं एक पल यहाँ नहीं रुकूंगी। अंजलि अंजलि। दोस्तों सफल वैवाहिक जीवन का एक मूलभूत नियम है कि पत्नी को हमेशा खुश रखा जाए, और पत्नी से झूठ तो कभी बोला ही ना जाए, और अगर झूठ बोल दे तो कम से कम पकड़े तो ना जाए। अब मेरी स्थिति देखिए ना, मैंने अंजलि से झूठ भी बोला और पकड़ा भी गया, और उसकी सजा मुझे ये मिल रही है कि अंजलि मुझे छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए मायके जा रही है। भाई पत्नी के बिना पति का जीवन अधूरा है, नीरस है, मरुस्थल है, तो अंजलि के बिना मेरा क्या हाल होगा। भगवान गणपति, आज गणेश चतुर्थी है, हम सभी के घरों में गणपति भगवान का आगमन हो चुका है। मैं यही प्रार्थना करूंगा विघ्नहर्ता से कि भाई मेरे जीवन का ये विघ्न दूर करें, किसी तरह अंजलि को मना लें और आपके जीवन में खुशियां रहें, आप हंसे, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। और आज हाँ हमारे जैन बंधुओं की संवत्सरी का महाक्षमापना पर्व भी है। मन से, कर्म से, वचन से अगर कोई गलती हो गई हो तो आप भी क्षमा करें। मैं इच्छामि दुक्कड़म, और सबसे ज्यादा क्षमा तो मैं अंजलि से मांगना चाहता हूँ कि अंजलि मुझे क्षमा कर दो। अंजलि क्या करेगी मैं नहीं जानता। सोमवार को देखना मत भूलिएगा कि अंजलि हमेशा हमेशा के लिए मैके चली जाती है, हमारी बात मान के रुक जाती है। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए और हंसते रहिए। तारक आज फिर से आपने मुझे मना लिया। ये मनाता नहीं तो क्या करता अंजलि, तुम्हारे बिना जीना जब मुश्किल है, जी नहीं पाता मैं तुम्हारे बिना तो। तारक कुछ भी कहिए, गलती तो आपने की है और आपको उसकी सजा मिलेगी। जो सजा चाहे दे दो मेरे सरकार, आप जो सजा मुकर्रर करेंगी मैं उसे स्वीकार करूंगा, बंदा उफ तक नहीं करेगा। चाहे मुझे जिंदगी भर डाइट फूड खाने की सजा क्यों ना दे दो, मुझे मंजूर है, कोई शिकायत नहीं। बोलो। अरे सजा सुन तो लीजिए, आज आप अपने दोस्तों के हाथों से खाना खाने वाले थे,
तो अब पूरा एक महीना आपको मेरे हाथों से खाना खाना पड़ेगा और ऑफिस में भी टिफिन लेकर मैं ही आऊंगी। जो हुकुम सरकार। वाह मस्त सजा है। और हफ्ते में 4 दिन डाइट फूड खाना पड़ेगा और 3 दिन आपकी पसंद का मसालेदार खाना। ये सही बात है। ये अंजलि ये सजा थोड़ी है, तुमने तो मेरे लिए कुबेर का खजाना दे दिया, मतलब रेगिस्तान में झरना बह गया है तो। अरे जेठिया, हाँ बापू जी। ये अंजलि बेटी की बात सुन के मुझे भी एक बात सूझी है। हाँ बोलिए। तुझे भी हफ्ते में 3 दिन ये अंजलि बेटी कहती है ना वैसा खाना खाना चाहिए। हाँ। मुझे क्यों बापू जी, मैं तो एकदम तंदुरुस्त हूँ। तो जेठलाल मैं कौन सा बीमार हूँ? नहीं नहीं मतलब भाई अभी आप रहना दन अभी। हाँ मैं तो सब खा सकते हैं तो आप क्यों नहीं खा सकते? बराबर है। आप दोनों तो बहुत अच्छे दोस्त हैं ना? नहीं नहीं अच्छे दोस्त तो है। खरेतर मैं तो कहती हूँ हम सब लोगों को हफ्ते में 3 बार डाइट फूड खाना ही चाहिए। नहीं कहा? कहा नहीं, कहा नहीं। हाँ मेरा वजन कहाँ जाता है कोमल? अरे तो धर्म करता धड़ पड़े। मेहता साहब आपको बचाने के चक्कर में तो हम सब फंस गए। सॉरी। वैसे आज खाना कहाँ से मंगवाया था? खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी। जेठलाल जेठलाल। हाँ बहुत टेस्टी था वो। अंजलि भाभी नट्टू काकर भागा एक बढ़िया होटल से लेके आए। तो ठीक है कल हम सब ऐसा ही मसालेदार और इससे ज्यादा टेस्टी खाना मेरे घर खाएंगे। चलेगा तारक? अरे चलेगा क्या, दौड़ेगा दौड़ेगा। ओहो अंजलि क्या बात है, इतना सब कुछ है। अरे भाई समझ में नहीं आ रहा क्या खाया जाए क्या छोड़ा जाए। अरे तारक आज आपको जो खाना है खाइए, सब कुछ मैंने स्पेशली आपके लिए बनाया है। देखिए यहाँ समोसा है, पास्ता विद व्हाइट सॉस, पास्ता अरेबियाता, पिज्जा, सैंडविचेस, पाव भाजी, मंचूरियन, हक्का नूडल्स, शेजवान राइस और मिठाई में गुलाब जामुन, सब कुछ मैंने अपने हाथों से बनाया है। अरे वाह। अंजलि भाभी आप अपने हाथों से पहले मैं के लिए लाई हूँ पिज्जा फ्रेश। सो स्वीट, गॉड ब्लेस। थैंक यू। गुलाब जामुन? चलेगा। एक और सैंडविच का पीस रख दूँ? चलेगा चलेगा। बस बस बाकी धीरे धीरे मैं सब खत्म कर दूंगा। ठीक है एक मिनट आई। हाँ आदि भाई कुछ लेके आऊँ आपके लिए? ये लीजिए एक और कचौरी मेरी तरफ से खाइए। अब खुश? अरे खुश क्या अंजलि, बहुत खुश। अरे पेट भर गया पर मन नहीं भरा, मजा आ गया भाई। वाह वाह वाह। मेहता साहब के घर पे खाने का मजा आ गया नहीं? अरे जेठिया मैं तो कहता हूँ पड़ोसियों को कभी कभी एक दूसरे के घर खाना खाना ही चाहिए, इससे आपस में प्यार बढ़ता है और रिश्ते मजबूत होते हैं। अरे अंजलि बब्बी रोज ऐसा खाना बनाए तो मैं तो उनके ही घर खाना खाने जाऊं रोज। क्यों बहु अच्छा खाना नहीं बनाती? अरे नहीं नहीं बाबूजी, दया तो जबरदस्त A1 खाना बनाती है, इसलिए मुझे क्या घर का खाना छोड़ के बाहर कहीं खाना खाने का मन ही नहीं होता। लेकिन अभी तो तू बोला ना
कि अंजलि भाभी अगर रोज ऐसा खाना बनाए तो मैं रोज उनके ही घर खाना खाने जाऊं। सॉरी, बाकी मेहता साहब और अंजलि भाभी के बीच में जो टेंशन था वो दूर हो गया, वो बहुत अच्छा हुआ। नहीं बाबूजी? अरे भाई, पति पत्नी का रिश्ता तो तराजू की तरह होता है, दोनों पलड़ों में वजन बराबर होना चाहिए। फिर तो हमारे केस में तो दया, तू अपना वजन बढ़ा, क्योंकि मैं तो लाख कोशिश करता हूँ फिर भी मेरा वजन तो कम होता ही नहीं, इसलिए हमारा पलड़ा तो ऐसा ही रहता है। ए बबूचक, मैं शरीर के वजन की बात नहीं कर रहा हूँ। तो मेरे कहने का मतलब है, पति पत्नी के रिश्ते के तराजू में समझदारी का वजन बराबर होना चाहिए। अगर दोनों में से किसी एक से जाने अनजाने कोई गलती हो जाए तो दूसरे को समझदारी से परिस्थिति को संभाल लेना चाहिए। इस तरह समझदारी का वजन बराबर रहेगा तो पति पत्नी के रिश्ते का तराजू हमेशा एक समान रहेगा। बापूजी, अब वैसे बापूजी, मेहता साहब और अंजलि भाभी के रिश्ते का तराजू एक समान ही था। अंजलि भाभी ने मेहता साहब को वो डाइट खाना खाने को कहा, मेहता साहब मान भी गए और उन्होंने तो उनकी कसम भी खाई, लेकिन टप्पू के पापा को बेचारे मेहता साहब पर बहुत दया आई, इसलिए दोस्तों के हाथों से स्वादिष्ट खाना खाने का आइडिया दिया, उसमें उनके रिश्ते का तराजू का संतुलन बिगड़ गया। वो आइडिया तूने दिया था? बोल, ये अक्कल जो उत्मीर, लोगों के घर टूट जाए ऐसे आइडिया देता है, दोस्त के घर में आग लगाता है। दूसरी बार कभी ऐसा किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नहीं नहीं पूजी, कहाँ जा रही है? कहाँ जा रही है? रुक 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 रुक। तुझे बड़ा मजा आता है ना बापूजी के सामने मेरी पोल खोलने का? क्या जरूरत थी वो आइडिया वाली बात निकालने की? तूने मुझ पे इतना अत्याचार किया, मैंने बापूजी को बताया? आइडिया? मैंने भला आप पर क्या अत्याचार किया? ओह अच्छा, क्यों? वो चिकनी, वो मिर्ची के पाउडर का धुआं, वो सब आइडिया तेरा था ना? था कि नहीं? मेरा ही था। तो फिर पति देव चूहा बनेंगे तो पत्नी को बिल्ली बनना ही पड़ेगा ना। बापूजी, भाग रही है। एक मिनट, आप चूहा है और मैं बिल्ली, तो चूहा बिल्ली को थोड़ी ना पकड़ता है, बिल्ली चूहे को पकड़ती है। तो चूहा जी, आप आगे रहिए, मैं आपके पीछे रहती हूँ। चलिए भागिए भागिए भागिए। कैसा उल्लू बनाया? खोल खोल। मैं तो खोलूंगी। अरे तू बिल्ली नहीं, सियार है, सियार लुच्ची। कल यही कुर्ता पहन के माधवी को सरप्राइज दूंगा। कुछ छुपा रहे मुझसे आप? तो यस, यूं ही? नहीं, वो तो ऐसे ही, आज मेरा मूड बहुत अच्छा है ना, इसलिए। चल। आत्माराम जी, मैं आपको बहुत अच्छे से जानती हूँ, आप मुझसे कुछ छुपा रहे, बताइए क्या छुपा रहे? अरे कुछ नहीं माधवी, मैं क्या छुपाऊंगा, कुछ नहीं छुपा रहा हूँ, कल पता चल जाएगा। बगा, मतलब कुछ छुपा रहे, बताइए क्या बात है? माधवी, मैंने बोला ना कल पता चल जाएगा, सरप्राइज है सरप्राइज। वेट एंड वॉच। आहो, हाँ ऐसा क्या है कल?
मैं एकदम मजे में। और तो भी नवाजुनी में देखो ना। एक मिनट है माँ। क्या? कल रात को मेहता साहब के घर पे जो कुछ हुआ वो माँ को मत बता देना। कल मेहता साहब के घर पर क्या हुआ था? चलो तुझे याद नहीं है? ठीक है, कुछ नहीं, कुछ नहीं हुआ। वो ये सब क्या बताना अभी? तो अभी नहीं तो क्या बाद में बताएगी मेरी गैराजरी में? आप निश्चिंत रहिए, मैं माँ को कुछ नहीं बताऊंगी। देखा माँ, बस अभी देखिए ना, नवा जूनी में हमारे यहाँ गणेश उत्सव की तैयारियां शुरू होने वाली है। और तुम्हें पता है माँ, हमारे यहाँ जो भी सोसाइटी में गणपति बापा का बहुत अच्छा डेकोरेशन करते हैं ना, उनको अवार्ड मिलता है। और पता है, लगातार 6 साल से हमारे गोकुदान सोसाइटी को ही वो अवार्ड मिल रहा है। टप्पू और उसके दोस्त सब मिलकर ये करते हैं। चलो मैं फोन रखती हूँ। जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा हूँ? पापा गणेश उत्सव की बहुत तैयारी करनी बाकी है। ओके बाय 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 बाय। अरे क्या तुझे जिंदगी में इतनी हड़बड़ी है? शांति से नहीं जा सकता था? गेंद की तरह उछल उछल कर जा रहा था। ए भाई, ए गेंद की तरह उछलना ही अच्छा है। जो गेंद की तरह नहीं उछलता ना, वो खुद गेंद बन जाता है। ओके दादाजी, बाय बाय बाय। अरे सुन, कहाँ जा कर रहा है तू? अरे दादाजी, गणपति बाप्पा आने वाले ना, तो डेकोरेशन की पूरी प्लानिंग बाकी है। थीम डिसाइड करनी है, डिजाइन बनाना है, बजट बनाना है, बहुत काम बाकी है। अरे वाह वाह टपुड़ा, जोरदार तैयारी करना है। हाँ, ऐसा सोचना कि देखने वालों के साथ साथ गणपति बापा के दिल को भी छू जाए। हाँ, हाँ दादाजी, हमारी कोशिश तो यही है। शाबाश दिक्का, इस बार भी बेस्ट गणपति बापा का डेकोरेशन का अवार्ड भी हमें मिलना चाहिए। यस यस मम्मी, गोकुलधाम सोसाइटी को ही मिलेगा। चलो मम्मी, अब मैं चलता हूँ, रीटा दीदी आने वाले हमारा इंटरव्यू लेने। ओके बाय बाय बाय, जय जिनेंद्र, बाय 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 बाय। गणपति बापा मोरिया। 200 साल का फिर से वो वक्त आ चुका है जब हमारे गणपति बापा हम सब लोगों के घरों में, हम सब लोगों के दिलों में एक बार फिर से विराजमान होने वाले हैं। आप मेरे चारों तरफ देख सकते हैं कितनी सारी गणपति बापा की रंग बिरंगी मूर्तियां हैं, और इन्हीं रूप में वो हमारे घर में आएंगे, हमारी सोसाइटीज में आएंगे। हर तरफ बहुत सारी तैयारियां चल रही है, लेकिन इस वक्त मैं आप लोगों को ले जाना चाहूंगी उस सोसाइटी में जो कि अपनी डेकोरेशन के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, और वो है हमारी गोकुलधाम सोसाइटी। आप सबका स्वागत है पाउडर गली की गोकुलधाम सोसाइटी में। ये वो सोसाइटी है जो पिछले 6 साल से लगातार बेस्ट गणपति का अवार्ड जीत रही है, और इस बात का पूरा श्रेय जाता है यहाँ की टप्पू सेना को, जो कि हर बार कुछ हटके अद्भुत सी थीम लेकर आते हैं और बहुत ही सुंदर गणपति डेकोरेशन करते हैं। तो आइए बात करते हैं टप्पू सेना से और जानते हैं कि इस बार वो लोग क्या धमाल करने वाले हैं। बताइए टप्पू सेना, इस बार गणपति डेकोरेशन की तैयारियाँ कैसी चल रही है? बिल्कुल भी नहीं चल रही है। मतलब चल नहीं रही है, दौड़ रही है, उड़ रही है। हाँ। और हर बार की तरह इस बार भी गोकुलधाम के गणपति डेकोरेशन को देखकर लोग की आंखें खुली की खुली रह जाएगी। वाह वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा मुझे ये बताइए कि आप लोगों का इस बार थीम क्या है? अरे तुम लोग हंस क्यों रहे हो, थीम बताओ। थीम टप्पू सेना का गणपति डेकोरेशन का थीम टॉप सीक्रेट होता है। CBI, CID, FBI को भी पता नहीं चल सकता। हाँ, जब गणपति बाबा हमारी सोसाइटी में आएंगे तभी सबको पता चलेगा। तो देखा आप लोगों ने कि किस तरह से इस बार भी गोकुलधाम सोसाइटी की टप्पू सेना ने गणपति डेकोरेशन का सीन एकदम टॉप सीक्रेट रखा है। पर अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या हमारी गोकुलधाम सोसाइटी की टप्पू सेना गोकुलधाम सोसाइटी को गणपति डेकोरेशन के लिए अवार्ड दिलवा पाती है या नहीं। मैं रीटा रिपोर्टर, कल तक से All the best, टप्पू सेना। Thank you. ऐसा डेकोरेशन करना कि इस साल भी ये अवार्ड हमारी सोसाइटी ही जीते। पक्का 100%। Yes, 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 yes
बाय 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 फ्रेंड्स, चलो अभी फटाफट मार्केट जाके गणपति जी लेकर के आते हैं। चलो 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 फ्रेंड्स फटाफट चलो 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 जल्दी जल्दी लेट हो जाएगा, बहुत काम है अपने को। संभल गया गोली, स्टैंड स्टैंड ऊपर कर स्टैंड गोली। हाँ रेडी? हाँ हाँ चलो जान बची और लाखों पाए, बीवी को मना के घर ले आए। दोस्तों मैं तो जैसे तैसे मुसीबत से बाहर आ गया, आफत से बच गया, लेकिन अब टेंशन होने वाला है टप्पू सेना को। भाई जब आप क्लास में सबसे कम मार्क्स लेके आते हैं, आपके नंबर सबसे कम होते हैं, तो आप पे कोई दबाव नहीं होता, किसी को कोई उम्मीद नहीं होती आपसे। लेकिन यदि आप फर्स्ट आते हैं, आप अव्वल रहते हैं, तो उम्मीदों का सबसे ज्यादा दबाव आप ही पे होता है, अपेक्षाओं का बोझ आप पे होता है। ठीक उसी तरह से जैसे इस वक्त टप्पू सेना पे अपेक्षाओं का बड़ा बोझ है साहब। पिछले 6 वर्षों से गणपति डेकोरेशन में टप्पू सेना प्रथम स्थान प्राप्त करती है और इस बार भी लोगों को लगता है कि टप्पू सेना फर्स्ट आएगी, लेकिन इस बार इतना आसान नहीं है गणपति डेकोरेशन में टप्पू सेना का फर्स्ट आना, क्योंकि बाहर कड़ा कॉम्पिटिशन है और सोसाइटी में बजट का टेंशन है। अब ये कॉम्पिटिशन और टेंशन क्या करता है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन इन दोनों का संगम आपके घरों में लेके आएगा ठाके। और सोचिए क्या करेगी टप्पू सेना, और देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए हंसते रहिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।